हाय अस्सलाम वालेकुम, होप्स ऑल यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ, बस अभी मैंने काम शॉप ख़त्म किया और इसके बाद सडनली हमारा प्रोग्राम बन गया है। भाई की दोस्ती थी, उसका बेबी बॉय हुआ है तो उसको बस मुबारकबाद देने जानना है। तो और दूसरा ये हो गया कि सडनली मैसेज भी आ गया कि कल से आपके स्कूल्स भी कॉलेज भी ओपन हो रहे हैं। तो स्कूल कॉलेज जब ओपन हो रहे हैं तो बहुत सारे भी काम रहते हैं, वो भी करने हैं। तो अभी मैं ड्रेस सेलेक्ट कर रही हूँ कि कौन सा पहनूँ। ये वाला ठीक रहेगा, ये वाला मैंने द्रास से ऑनलाइन किया था और आई थिंक सो ये मुझे 2700 का मिला था। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना था कि जो द्रास से आप लोग ड्रेस मंगवाते हो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बट इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी निकली, मुझे अच्छा लगा। ये 3 पीस ड्रेस मैंने मंगवाया था 2700 का। तो अब ये प्रेस हुआ है, बैक इसकी कुछ ऐसी लुक है। अब ये प्रेस हुआ है तो इसी को पहन लेते हैं। और ये इसका दुपट्टा है, ये उसके साथ का ट्राउज़र है जो कि प्रेस नहीं है, इसको मैं प्रेस कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, हल्का हल्का सा मेकअप किया है, इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया है। एज़ यू नो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हल्का सा भी करो तो भी बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। और अब मैं ज्वेलरी को देखती हूँ, एयरिंग्स कौन से पहनूँ। ये वाले पहन लेती हूँ क्योंकि ये वाइट टच है और साथ में ये गोल्डन सा टच है, अच्छा लगेगा उसके साथ। अच्छा, तो अब मैं ये एयरिंग्स पहनने लगी हूँ और ये सैंडल मैंने पहन ली। हम लोग वापस आ गए हैं, वापस आने के बाद बस फ्रेश हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसके साथ भी मैंने क्लीनिंग की और स्क्रब किया, बिकॉज स्क्रबिंग से फिर आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, इसलिए अब मैं बनाने लगी हूँ फेस मास्क। इससे ये होगा कि आपके जो पोर्स होंगे जो ओपन थे वो अब क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए राइस फ्लोर एंड हनी के साथ अलमंड ऑयल। और यहाँ पे हनी को मैं ज़रा मिक्स कर लूँ गर्मी की वजह से। चलो, मेल्ट हुआ हुआ है, ठीक है। और इसमें मैंने राइस फ्लोर ले लिया 2 टेबल स्पून। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ हनी, ठीक है। क्रीमी सा बनाना है हमने, कौन सा बहुत ज़्यादा करना, ठीक है। थोड़ा सा और डाल देते हैं क्योंकि ये टेबल स्पून नहीं है ये। बस इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे अलमंड ऑयल 2 से 3 ड्रॉप बस, क्योंकि अगर आप विटामिन ई भी इसमें भी ऐड कर सकते हैं और कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको करते हैं मिक्स। यहाँ पे अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हमें चाहिए 2 टेबल स्पून मिल्क, ठीक है। यहाँ मैं ले रही हूँ मिल्क काओ का क्योंकि हमें क्रीमी टेक्सचर चाहिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखिए आप इसका क्रीमी सा टेक्सचर मिल गया हमें। अब हम इसको फेस पे ऊपर अप्लाई कर लेंगे तकरीबन 15 to 20 minutes के लिए और इसके बाद हमारी स्किन ग्लो करने लग जाएगी इंशाल्लाह। मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करने लगी हूँ और इसकी ये कुछ फाइनल सी लुक है, क्रीमी सा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब अपने इसको पतली सी लेयर जो है अपने फेस के ऊपर लगा लेनी है और इसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने वॉश कर देना है। इसके बाद आपने मतलब टोनर लगा लें, रोज़ वाटर का टोनर यूज़ करते हैं तो रोज़ वाटर आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर दें, डैट्स इट। अच्छा, अगर ये थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप इसमें ग्राम फ्लोर ऐड कर सकते हैं, मीन के बेसन इसमें अंदर इसके अंदर ऐड कर दें और ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको चाहिए। अब मैं इसको फेस के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। मैं फेस वॉश करके वापस आ गई हूँ। आफ्टर 20 मिनट्स अब मैं अपने फेस के ऊपर टोनर अप्लाई करती हूँ रोज़ वाटर का। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद डिनर का टाइम हो चुका था और आज बनी हुई थी बिरयानी और साथ में दही था और प्याज था, दही सिंपल था जिसमें ज़ीरा डाल दिया गया था। एंड सबको मैंने खाना दिया और कुछ नहीं खाया बिकॉज हम दिन को खाना खा के आए थे और भूख नहीं थी। फिर सबको सर्व किया। फिर भाई की कॉल आई कि मैं बैठी भी खड़ा हूँ तो क्या कुछ खाना पीना है, कुछ मंगवाना है तो बताओ। अभी मैंने कब ब्रेड लिया ना क्योंकि अब आ गई बारी ब्रेड की, बिकॉज
अब हो गए हैं स्कूल कॉलेज ओपन हो गए हैं, तो अब लंच सॉरी नाश्ते में जो है वो ब्रेकफास्ट जो है ब्रेड के स्लाइस लेके जाते हैं, क्योंकि पराठे बहुत खा लिए घर में बैठ बैठ के। साथ में कहा था कि निम्को ले आएँ, क्योंकि निम्को मतलब दिन को शाम के टाइम मुझे दिल करता है खाने का। और ये पता नहीं क्या लाए हैं, देखते हैं क्या है ये। एंड साथ में ये लाए हैं जी मायोनीस, एंड साथ में मैंने बोला था योगर्ट का। ठीक है जी, मैं ये चीज़ें संभाल के रख दूँ, निम्को में रख दूँ जी यहाँ पे, एंड बाकी जो ये चीज़ें हैं ये मैं रखती हूँ फ्रिज वगैरह में। सबको डिनर दे दिया है, अब मैं खुद डिनर करने लगी हूँ। रानी मज़े की बनी है वैसे। हेलो फातिमा, आपने बिरयानी खानी है या सिर्फ योगर्ट खाना है? फिनिश कर चुकी हूँ सारा। क्या और खाना है? अब क्यों इतना ज़्यादा योगर्ट डाल के खा रही हो? आओ किसको दोगी? आपको दूंगी ना। आपको दोगी तो मेरी प्लेट में डालो ना, अपनी प्लेट में क्यों डाल रही हो? हाँ वैसे तो स्पून ही नहीं फिल हो रही। थैंक यू। अब फूड डालो थोड़ा सा, बस चलो अब पहले ये फिनिश कर लो फिर और डालना। ये थी मेरी आज की रूटीन, और अब काफ़ी थक चुकी हूँ, बस इशा की नमाज़ पढ़ी, अब मैं सोने लगी हूँ। और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।